हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राशि, अगर आपने ये कहा कि जो मिथुन राशि वाले लोग होते हैं मल्टीटास्किंग में माहिर होते हैं, मतलब आप विश्वास करती हो? बिल्कुल, तो आप कभी कभी एक्चुअली मूड पे डिपेंड करता है। तो आप सुबह उठ के पेपर में अपनी राशि पढ़ती हो आप? कभी कभी, हाँ, कभी कभी। यहाँ पे हमारे कितने दोस्त हैं जिनको अपनी राशि पे विश्वास होता है, जो पढ़ के आते हैं? जी भाई साहब, आपको कोटि कोटि प्रणाम, और कपिल सर आपको बहुत बहुत प्रणाम। सर बहुत बहुत प्रणाम। दीदी आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। दीदी उम्र का बड़ा लिहाजा किया, आपको प्रणाम किया, मुझे नमस्ते किया। मैं गाजियाबाद से आया हूँ। अच्छा जी, कौन लेके आया आपको? मैं बाय प्लेन आया था। गाजियाबाद में क्या करते हैं सर आप? गाजियाबाद में मेरा छोटा सा बिजनेस है। नहीं, छोटा सा क्या? चींटियों की कुश्ती करवाते हैं क्या? नहीं, चींटियों की नहीं। सर मेरा कैटरिंग का बिजनेस है। सर कैटरिंग का? जी। अच्छा जी, आप राशिफल के बारे में क्या? राशिफल में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, जो भी काम करता हूँ मैं उल्टा होता है राशि के हिसाब से। जी, शेयर मार्केट में मैं गया, शेयर मार्केट में पैसा लगाया, वो भी मेरा डूब गया। उसके बाद किस राशि में देखा अखबार में कि अपने कपड़े उतार के दान कर दो, मैंने सारे कपड़े दान कर दिए। फिर तो जब आपने दान कर दिए कपड़े, तो आगे तो किसने बढ़ने नहीं दिया होगा फिर। सब कह रहे हो चलो चलो अंदर चलो, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ जी, तो कहने का मतलब कि आप विश्वास नहीं करते हैं। हाँ जी, तो मतलब मिक्स रिएक्शंस है। हाँ जी सोनाक्षी, आप इनको कुछ कहना चाहेंगे कि क्या राशिफल की वजह से इनका काम डूबा है? सोनाक्षी, आप इनको कुछ कहना चाहेंगे कि क्या राशिफल की वजह से इनका काम डूबा है? एक बार रॉन्ग ऐसी राशि किसी ने मेरे लिए भी पढ़ी थी। एक पंडित जी थे, मेरी फिल्म की शूटिंग से पहले उन्हें नहीं पता था कि मैं फिल्म करने वाली हूँ और किसके साथ कर रही हूँ, कौन सी फिल्म है, का कुछ आइडिया नहीं था। फेस रीडर अपेरेंटली थे, तो मेरा फेस पढ़ने लगे। सबसे पहले चीज़ जो उन्होंने की थी तो मैंने बोला क्या हुआ? तो बोलते कि तुम कोई क्रिएटिव फील्ड में जाने वाली हो, कुछ अभी एक बड़ा काम करने वाली हो, और यू नो शुरुआत ऑलरेडी हो गई है, और मैं फिल्म शुरू करने जा रही थी। तो मैंने बोला हाँ हाँ, मैं खुश हो गया, अरे पता है इनको। तो बोलते बहुत बड़ी गलती। थैंक यू, वेरी इनकरेजिंग ऑफ यू। उन्हें कहा अगर तुम फिल्मों में जा रही हो तो आई डोंट थिंक तुम्हारी पहली फिल्म कुछ काम करेगी या अच्छा करेगी तुम्हारे लिए। अब मुझे वो पंडित जी से मिलना है। बोला पंडित जी अगर आप देख रहे हो, थैंक यू, आपने जो भविष्यवाणी की थी बिल्कुल उल्टी थी, बिल्कुल सही नहीं थी। एंड अच्छा, एक बार याद है आपको बाजी, सुशील कुमार जी हमारे शो में आए थे, तो वो इंग्लैंड में कोई तो ओलंपिक में गए, तो उन्होंने भारत देश का झंडा लेके उनको आगे आगे लीड करना था और पीछे सारी टीम। अच्छा, उनको कोई सीनियर प्रेस रिपोर्टर थे कोई साथ में गए थे उनके, उन्होंने कान में बोल दिया कि जिस जिसने झंडा उठा के लीड किया ना, उसका मेडल कोई नहीं आया। तो वो बेचारे के दो दिन बाद कुश्ती थी, वो तो खाना ना खाया जाए। बाद में जब कुश्ती जीता ना, फिर कहता अब मैं प्रेस रिपोर्टर ने ढूंढ रहा हूँ। सर एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी। हाँ जी सर, आपके और मेरे में बहुत सिमिलरिटी है एक सी। किसमें किसमें? आप भी बहुत अच्छा गाना गाते हो, मैं भी बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। कौन सा गाना सुना है? पहले गाना बताइए कौन सा। मनी कौन सा था वो गाना? मनी। मनी कौन है? मनी मेरा भांजा है। ये आपका भांजा तो आपका मामा लग रहा है। मनी, अच्छा ये वाले है मनी, खड़े हो जाओ। क्या हाल है मनी, कैसे हैं आप? मनी मनी गाना याद नहीं आ रहा, उनको बता दीजिए। गाना कौन सा था वो गाना जो गा रहा था गाड़ी में? क्या मेरे सपनों की रानी? नहीं, दूसरा वाला वो वाला जो जिसमें उड़े उड़े करते हैं। आ गया आ गया सर, याद हो गया। आ गया सर, क्या करते हैं? आ गया 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 आ गया। नहीं, आपने भी क्या बोला जिसमें क्या करते हैं गाने में? मैं भी बना बता। अच्छा, आ गया आ गया आ गया, गाना आ गया, शुरू करूं? करो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ली 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 अरे उड़ली 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 क्या बात है। पर सर ये बड़ा मुश्किल काम होता है जो आपने किया है, कि रिदम से अलग होके गाना। सर मैं आपसे सीख रहा हूँ सर, थोड़ा सा और इंजॉय कर दूँ, थोड़ा सा मनोरंजन कर दूँ। और सर और क्या करना है? आवाजें निकालनी है सर मुझे, आवाजें निकालनी है। शो नहीं डुबाना गुरु, नहीं नहीं, नहीं, नहीं और मनोरंजन।
सर बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया आवाजें सुना दूंगा थोड़ी देर में जाने की सर, इससे इससे भी बढ़िया आवाज निकालेगा जी क्या? निकाल दीजिए सर, जो आपकी आवाज करता है जो है जेब से निकाल के बाहर रख दीजिए। सबसे पहले मैं डॉगियों की आवाज निकालूंगा। डॉगी कुत्ते कैसे लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं, जब स्कूटर के नीचे पैर आ जाता है कुत्ते का तो कैसे रोता है, चोट लग जाती है उसके, ये सब। और छोटे बच्चे कैसे निकालिए अच्छी अच्छी है संजू। आप डरा रहे हो। संजू देखो, वो देखो संजू, वो निकाल रहा है, वो निकाल रहा है। करो। अच्छा उसने इतना इनोसेंटली देखा ना, हम कब ऐसी आवाज निकालते हैं? और किसकी आवाज निकालते सर? हाथी चिगाड़ते हैं जब कैसे? आप बोर हो रही हैं मैडम? नहीं नहीं बड़ा मजा रहा है सर, कंटिन्यू। एक अच्छा आवाज निकाल दो, हाथी हाथी चिंगाड़ेंगे। लोरी सुना दो, सुना हो जाए। डर लग रहा सर, बहुत मजा आया आपसे मिलके, बड़ी प्यारी बातें की आपने। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राक्षी, बेटे उठो, टाइम हो गया प्रमोशन करने का। डन। हाँ मैं तो करने ही आई हूँ, अंकल करने नहीं दे रहे, मैं क्या करूँ? भैया सॉरी, भैया भैया मैं जब आई थी तो क्या कहा था? खाली हाथ आई हूँ जी। कभी हो सकता है ऐसे? ना बिल्कुल नहीं ना। आपको लगता है क्या मैं कभी खाली हाथ आऊंगी किसी के घर पे? आ रही हूँ फर्स्ट टाइम, मेरी मम्मा ने तो ऐसे नहीं सिखाया मुझे, तो मैं लाई हूँ कुछ कपिल के लिए, पेश किया जाए। ठीक है, आप बनवा लो भाई साहब, आप बनवा लो। इनको बांधो। रक्षाबंधन वाला गाना मैं तुम्हारी पेमेंट मार लूंगा सबकी। भैया 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 भैया, एक मिनट, आपने पिछली बार इंडियन आइडल पे मुझे राखी बांधी थी, अभी तो राखी भी आलू वाले पराठे जैसी। तो हर साल बांधना पड़ता है ना? ये क्या बात हुई, एक साल बांध के छोड़ तो नहीं है मेरा? हर साल बांधना होगा राखी, जरूरी थोड़ी ना है। हाँ जरूरी है। अरे मेरी बहन ने भेज दी अमृतसर से राखी, मैं बांध लूंगा। बट मुझे बांधनी है। चलो कोई और बात करते हैं। घेर घेर के भाई बना रही है, घेर घेर के भाई। ये तो क्या, ये तो घेर घेर के राखी बांध रही है। मैंने घड़ी बांधी हुई कल से ही। अच्छा मिठाई खा लो फिर। बांध दो फिर यार, पैसे कौन देगा? पैसे निकाल, पैसे पैसे निकाल। ये राखी ऐसे किसी को वहां गर्दन काट दे, ये अकीरा की राखी है, सेल्फ डिफेंस में काम आएगी। बहना क्या चाहिए? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, वो तो मुझे पता है। हाँ बदले में क्या चाहिए? बदले में मतलब राखी का तोहफा क्या चाहिए बताओ, सोने के खर्चे भी दिलवाऊंगा। आज से लेके अकीरा के रिलीज तक तुम हर शो पे मेरे फिल्म की प्रमोशन करोगे। वो तो तो सोनाक्षी को मेरी तरफ से राखी के बदले में 1,00,000 बेस्ट विशेस। थैंक यू। क्यों रहा हमारा गिफ्ट? 1,00,000 बेस्ट विशेस, सस्ते में निपटा दिया। 1,00,000 बेस्ट विशेस। हवाई मेल, हवाई मेल। मैं रुपए कहां से दूंगा? चलो चलो, थैंक यू। गाना तो तेरा मैं देखता हूँ, वैसे किसी से बजता नहीं तेरे से, तो भैया मेरे राखी के बंधन में बैठा, बड़ा तेरा टाइम पे आया पूरे सुर में। चलिए अच्छा, आपको वैसे सोनाक्षी से कोई बात करनी है, फिल्म के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं जी। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी मैम। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो सर। मेरा नाम है रीमा, मैं सूरत से आई हूँ। मैं सोनाक्षी मैम से पूछना चाहती हूँ,
हमने सलमान खान सर के बारे में तो बहुत सुना है, सब उनको पूछते हैं कि उनकी शादी कब होने वाली है, पर अब तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इवन मैगजीन्स में भी यही छपा हुआ आता है कि सोनाक्षी सिन्हा बहुत जल्दी शादी करने वाली है, तो क्या आपको ये सब सुन के या पढ़ के कैसा लगता है? हमें एक्चुअली इन्फॉर्मेशन मिलती है अखबारों से कि हमारे लाइफ में क्या होने वाला है, तो मतलब एंटरटेनिंग लगता है। सर हमने तो यूट्यूब पे इवन आपकी भी शादी देखी है। जैकलिन के साथ? मैं किसी को बताना नहीं चाहता था, बट सर देख लीजिए, पता चल चुका था क्या करूं। I'm sure जैकलिन में किसी को नहीं बताना चाहती। तुम मेरी बहन हो कि मेरी जेठानी हो? भाई बहन में तो चलता रहता है ऐसे ही। मैम बाय द वे आप कब शादी कर रहे हैं? पहले काम कर लूं। मैम एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ऑडियंस में आप मेरा भाई आई है? जी 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 बिल्कुल। मेरा भाई भी बैठा है, वो डायरेक्टर एडिटर है। अच्छा तो प्लीज कहाँ है, कहाँ है? अच्छा शुक्र है ना भाई का प्रपोजल दिया, पहले मुझे लगा था कहने लगी मेरे पति भी कुंवारे हैं। आइए ब्रदर। अरे आपकी सिस्टर रिश्ता लेके आई, कम कम प्लीज प्लीज, बड़े शर्मा रहे हैं आपके भाई। आ जाओ आ जाओ, देखो ऐसा है, बैठिए आप, मैं हूँ लड़की का भाई, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस तो बनते हैं। तो क्या करते हैं आप? अभी इन्होंने एडिट करी है मूवी, ये पिक्चर पाकिस्तान में बैंड है। तो आप फिल्म में एडिट करते हैं? जी। तो आपको कोई रोकता नहीं है? नहीं। कि आप, हमने इतनी मुश्किल से शूट की और आप एडिट कर रहे हैं? आने से पहले अपनी बहन को एडिट कर देते थोड़ा बहुत। मतलब ये आज जो शुरू हुई है बंद होने का नाम नहीं ले रही है। देखो मैं डिसाइड करूंगा ये। हाँ। As she is my sister, I will decide. Yeah. Your sister will decide. मेरी बहन है, लाखों में एक है, मैं इसके लिए दो लड़के ढूंढूंगा। चलो अच्छा सॉरी, मैं अच्छा लड़का ढूंढूंगा। सोनाक्षी जी। हाय, मारो मत यार। नहीं नहीं मैं मार नहीं रही हूँ, आई एम सो हैप्पी आपको देख कर, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आप आने वाली थी मुझे पता ही नहीं था। ओह गॉड थैंक यू सो मच, आप आ गई, ऐसे आपको आते रहना चाहिए, अच्छा लगता है। ओके बट चाबुक क्यों पहना बाल में? ये बस ऐसे ही नेचुरल है कि कुछ स्पेशल लोगों के लिए रखना पड़ता है। ये लास्ट टाइम माथेरान गई थी ना, घोड़े की सवारी कर रही थी, पीछे से उतार ली उसकी। अच्छा लगता है सोनाक्षी को देख के, तुम भी हफ्ते में एक आध बार नहाया करो, हमें भी अच्छा लगेगा। नहा धो के किसी दिन आपके पीछे पड़ जाऊंगी ना, तब आपको पता चलेगा। वैसे ये याद है ना आपको? अरे ये मेरी नानी ने सामान मंगवाया था, तो मेरे को तो सिटी केबल पे होस्ट करना प्रोग्राम। अरे तो उसके लिए टेंशन लेने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना होस्टिंग और ब्रेकफास्टिंग पे नंबर वन हूँ, मैं कर लूंगी होस्टिंग ब्रेकफास्टिंग, लेकिन फार्टिंग वगैरह ना हो। ये तो हंसाने के लिए आपने जोक मार दिया, वरना इसका कोई तात्पर्य नहीं था। चलिए सेटअप ले आइए, हम कर लेंगे, मैं कर लूंगी होस्टिंग, मैं कर लूंगी। ठीक है प्लीज। पास्कल है? कुश्ती नहीं चल रही। होस्ट है, कंडक्टर थोड़ी है। नहीं मुझे पहली बार मौका मिल रहा है ना, तो इसलिए मैं। खैर नमस्कार, सिटी केबल में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपकी होस्ट और गोश्त। एक्सक्यूज मी, गोश्त नहीं होता, इट्स घोस्ट। व्हाई आर यू टॉकिंग द मोस्ट? मैंने आपसे बात की, मुझे याद आ गया, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त, द जॉर्जियस, द ब्यूटीफुल, रैविशिंग बम्पर लॉटरी। तो चलिए पहले इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, हमारी इस चर्चा के लिए यहाँ पर मौजूद है अकीरा से सोनाक्षी सिन्हा, और यहाँ पर है फकीरा से डॉक्टर मशहूर गुलाटी। नमस्ते डॉक्टर मशहूर गुलाटी, कितनी मशहूर है। एंड डॉक्टर मशहूर गुलाटी KHAMOSH। इसका फुल फॉर्म क्या है? तेरे मुंह पे मैंने क्लोरोफॉर्म लगा देना, फुल फॉर्म क्या है? मैं फुल फॉर्म नहीं बता रहा, मैं तो स्पेलिंग बता रहा हूँ, खामोश के। और तेरे को कह रहा हूँ बेवकूफ, अनपढ़ कहेंगे। चलिए आपको मिलाते हैं हमारे अगले मेहमान से, जो है शकीरा से टीचर विद्यावती। शकीरा से मतलब? शकीरा इनकी मम्मी का नाम है। Excuse
इज मी शकीरा मेरे पापा का नाम है बिकॉज़ ही हैज सम बिग बम्स सो हिज हिप्स डोंट लाई ओह माय गॉड मैं से मायसेल्फ टीचर विद्यावती हमारे यहां पर उचित दरों पर बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं मतलब कि दवा के दाम पर डॉक्टर बनाए लाइक अ डायमंड इन द स्काई और सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल कीजिए भौजाई रजाई जी हाँ ये बहुत गर्म है और बहुत नरम है और आपकी तरह बेशरम है For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.